अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लंच थाली की रेसिपी। इस थाली में हमने पॉम्फ्रेट फिश फ्राई कर रखी है, साथ ही आलू का फीका सालन बनाया है, इंस्टेंट आम का अचार रेडी कर रखा है और चावल है ये, और साथ ही हमने बड़ी मछली का अंडा भी फ्राई करके रखा है और फ्राइम्स है यानी कि फिंगर पापड़। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें रेडी करेंगे और फिर इसे एक प्लेट में रख देंगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हम पॉम्फ्रेट फिश को पहले फ्राई करने वाले हैं और साथ ही हमें मार्केट में बड़ी मछली के अंडे मिले थे तो उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये अंडे बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो पहले हम मछली और अंडे को मसाला लगा के मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के पॉम्फ्रेट और उसे इस तरह से गहरे कट्स लगाए हैं और साथ ही 2 अंडे हैं। कट्स लगाने से मसाला जो है वो अंदर तक चला जाता है। तो हम मसाला रेडी करते हैं। तो ये कोकनी फिश मसाला लिया है हमने, 2.5 टेबलस्पून है ये। इसका रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे और लहसुन का पेस्ट 1/4 टीस्पून। आप चाहो तो लहसुन को कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही 1/2 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका और 1/2 लीमू का रस। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और उसे एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। आप चाहो तो लीमू की जगह सिर्फ सिरका या सिरके की जगह सिर्फ लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मसाला हमारा बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। और अब इस मसाले को हम मछली पर लगा देंगे। पॉम्फ्रेट और अंडे पे लगाना है तो इस तरह से हमें लगाना है। कट्स में अंदर तक हम मसाला डाल देंगे और उसका जो पेट वाला हिस्सा है उसे भी हमें अंदर भी डाल देना है। चारों तरफ मसाले को अच्छी तरह से फैला देंगे और पलट कर दूसरी तरफ से भी हमें अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है। कोकनी फिश मसाला किस तरह से बनाते हैं ये हमने वीडियो अपलोड किया है, इंस्टेंट कोकनी फिश मसाले का। आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह से दूसरे पॉम्फ्रेट पर भी हम मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह हमने मसाला लगाया है और जो अंडे हैं मछली के उस पे भी हम मसाला लगा देंगे। और थोड़ा सा जो मसाला लगा था उसे हम फ्राई करते वक्त मछली पर डाल देंगे। और अब इन फिश को, मैरिनेट किए हुए फिश को हम फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। तब तक हम आलू का फीका सालन बना लेते हैं। तो इसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। 2.5 टेबलस्पून हमने तेल डाला है। साथ में हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो जीरा हम डालेंगे 1/2 टीस्पून और साथ ही करी पत्ता डालना है 5 से 6, उसे हमने तोड़ के डाला था, और 2 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज की प्याज स्लाइसेस में कट की हुई। इसे फ्राई कर लेते हैं। हमें इसे सॉफ्ट होने तक, कच्चे पके होने तक फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल सा आलू का सालन है। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब उसमें 1 टमाटर डालेंगे और साथ ही 3 आलुओं को हमने इस तरह से कट कर लिया है पतले पतले पीसेस में, इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हरी धनिया 2 टेबलस्पून। और अब इन सारी चीजों को हमें हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मिक्स कर लेना है। जब तक कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते हम उसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आप इसे इस तरह सब्जी की तरह भी सर्व कर सकते हो। हम इसका सालन बना रहे हैं और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसे मिक्स कर लेंगे और आखिर में हमें इसमें पानी शामिल करना है। हम इसमें 2.5 कप पानी शामिल कर रहे हैं। आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उस हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। बस अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल आने के लिए देना है हमें। बॉईल आना शुरू हो गया, थोड़ा और अच्छे से उबाल आने देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा बॉईल आ गया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और उसे कवर करके 10 से 12 मिनट आलू के गलने तक हमें पका लेना है।
12 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। आप एक बार मिक्स कर लेंगे और आलू को आप चेक कर लेना है हमें गले हैं या नहीं। अगर कच्चे हो तो आप उस वक्त उसे और गला सकते हो, थोड़ी देर और पकने दें। ये देखिए हमारे आलू गल गए हैं, हमारा आलू का फीका सालन बनकर तैयार है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब उसे हम एक तरफ रख देंगे और अब फिश फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में हम 3 टेबलस्पून तेल गरम कर देंगे और उसमें मैरिनेट किए हुए पॉम्फ्रेट डाल देंगे। साथ ही जो फिश के अंडे थे उसे भी डाल देंगे और हम हाई से मीडियम फ्लेम पर, पहले हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे 1 मिनट, ताकि मसाला जो है वो मछली पर अच्छी तरह से लग जाए, और फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम नीचे से अच्छे से फिश फ्राई होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और अब उसे पलट देंगे। ये देखिए फिश हमारी एक तरफ से फ्राई हो गई है, हमने 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया था, और पलट कर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है और फिश हमारी बिल्कुल पककर रेडी है। ये देखिए पूरा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और दूसरी तरफ हम फ्राइंग्स यानी कि फिंगर पापड़ इसे कहा जाता है, या पाइप पापड़ भी कहा जाता है, इसे फ्राई कर लेंगे। हम इसे नली भी कहते हैं, पापड़ नली भी कहा जाता है। इसे फ्राई करके एक तरफ निकाल लेंगे। ये मार्केट में आसानी के साथ मिल जाती है, आप इसकी जगह पापड़ भी फ्राई कर सकते हो। बचपन में हम इसे उंगलियों में डालकर खाया करते थे, इसीलिए इसे फिंगर पापड़ भी कहा जाता है। बस अब सारी चीजों को एक डिश में रख देंगे। तो यहाँ हमने एक डिश में इंस्टेंट आम का अचार रेडी कर रखा है। बस आम में हमने नमक, मिर्च पाउडर और शक्कर शामिल करके इसे रेडी किया है। इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, रेसिपी मिल जाएगी। देखिए हमारी लंच थाली बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। एक तरफ हमने पॉम्फ्रेट फ्राई करके रखा है, साथ ही लीमू का पीस है, और दूसरी तरफ फीका आलू का सालन रखा है, साथ ही इंस्टेंट आम का अचार, चावल हमने पहले ही रेडी करके रखे थे, और ये फिश का अंडा है उसे भी हमने फ्राई करके एक तरफ रखा है, और फ्राइंग्स यानी कि फिंगर पापड़ भी हमने एक तरफ रखा है। हमारी टेस्टी लंच थाली बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई नई रेसिपीज आपको मिले। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।